हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? तो आज मैं ना आपको थोड़ी सी एक नई चीज़ दिखाने वाला हूँ कि चाइना में एक इलेक्ट्रिक बाइक्स तो हैं, ये आप सबको पता है। तो अभी मैं ना बाइक है मेरी, तो जैसे पाकिस्तान में पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो पेट्रोल डलवाते हैं, तो इधर इलेक्ट्रिक बाइक है तो इलेक्ट्रिक चार्जिंग ख़त्म हो जाए तो चार्ज करते हैं, जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं। तो अब इधर मसला ये होता है कि साल डेढ़ साल यूज़ करने के बाद अगर बाइक की बैटरी जवाब दे रही है, मतलब एक बैटरी रेगुलर बैटरी 60-70 किलोमीटर कर लेती है तो ठीक है, कर जाती है, लेकिन अक्सर फिर ना 60-70 किलोमीटर नहीं करती, चार्जिंग रिड्यूस होने लग जाती है। तो मेरी बाइक का भी अब यही मसला आ गया था, तो अब मैं एक शॉप पर आया हूँ तो बैटरीज चेंज करवा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। फिर जब बैटरीज ख़त्म हो जाती हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी चेंज करवाते हैं तो फिर इनकी बैटरी भी चेंज करवानी पड़ती है। देखें, ये इलेक्ट्रिक बाइक है, मेरे वाली बाइक है ये, और ये इधर इसकी बैटरीज जलती थी और अब ये मैकेनिक ने ये बैटरीज निकाल के रख दी हैं। ये मैकेनिक साहब हैं और ये इसने बैटरी, 5 बैटरीज थी, 12 वोल्ट की एक बैटरी होती है और ये देखें 5, 1, 2, 3, 4, 5 12 वोल्ट की 5 बैटरियां डलती है। ये 60 वोल्ट की बाइक थी, अब ये मैं नई बैटरी डलवा रहा हूँ क्योंकि ये टोटली फारिग हो गई थी, 5-7 किलोमीटर करती थी, बैटरी ख़त्म हो जाती थी, चार्ज भी ठीक नहीं होती थी, तो मैंने सोचा कि अब नई बैटरीज डलवा लूँ। तो आज नई बैटरीज डलवाने आया हूँ, तो मैंने कहा चलो सोचा आपके साथ ये एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इलेक्ट्रिक बाइक्स का। अब ये मैकेनिक साहब आ रहे हैं, इन्होंने अभी निकाल के रखी हैं और ये अब इन सबको रिप्लेस कर देगा और इसके टर्मिनल आपस में जोड़ देगा। मैं आपको ये सारा तरीका भी दिखाता हूँ, ये साथ साथ चेक करेगा। लिबियन देंशी लाइमा, ठीक है, ये इधर से मसला है ना नीचे से, ये सारा लोहा ख़राब हो गया, ये लोहा ख़राब हो गया ना, तो बैटरीज के मसला आना था रखने में, तो इसलिए ये अब ना अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा कोशिश कर रहा है कि ये इधर फिर बैटरीज को सपोर्ट मिल जाएगी, क्योंकि लोहा सारा गल गया है इसका, तो इस तरह बैटरीज को ना अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी। हाँ, खई 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 खई, अब ये बैटरीज रखेंगे अंकल साहब और खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे ये न्यू बैटरीज होती हैं। अच्छा, इनकी कीमत होती है डिफरेंट, जैसे बाइक की डिफरेंट होती है ना, ये देखें न्यू, ये अब इसने 350 RMB की बोली है कि 350 RMB, मतलब आप कह सकते हो ये अब इसमें ऐसे एडजस्ट हो जाएगी और इनके टर्मिनल ऐसे सेम साथ जुड़ जाएंगे। और आप कह लो कि पाकिस्तानी पैसों में अगर देखा जाए तो तकरीबन 9-10 हज़ार की बैटरीज हैं अब ये, और साल डेढ़ साल गुजार जाती हैं, लेकिन बाकी डिपेंड अपॉन आपकी चलाने पे है कि आप कितना चला रहे हो इसको और कितना इसका आपका यूज़ है। क्योंकि हमारा तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, हमारा होता है कि घर से यूनी से घर, और हफ्ते में एक दिन फ्राइडे, और फ्राइडे पर हम जुमे पर जाते हैं, जुमा वाली नमाज़ ज़रा है तकरीबन 15 किलोमीटर की मसाफत में, वरना यूनी तो 5 मिनट की मसाफत है। तो अब ये ऐसे टर्मिनल सेट करता जाएगा और बैटरीज को एडजस्ट करता जाएगा। ये देखें, एक बैटरी फिट हो गई है, उसके टर्मिनल इसने जोड़ दिए हैं और अब दूसरी बैटरी रख दी है। टोटल 5 बैटरियां हैं, और अगर 48 वोल्ट की होती तो 4 बैटरियाँ होनी थी, तो 60 वोल्ट की है तो अब ये 5 बैटरियाँ हैं, और अगर ये 72 वोल्ट की होती तो 6 बैटरियाँ होनी थी, और उसमें एम्पेयर्स भी ज़्यादा होते हैं, उस बाइक की फिर स्पीड भी ज़्यादा होती है, उसकी किलोमीटर एवरेज भी जैसे पाकिस्तान में कह लो कि 1-5 है, लेकिन इधर नॉर्मली 72 वोल्ट वाली जो बाइक होती है ना, उसकी परमिशन बहुत कम होती है क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, फिर वो ना अक्सर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, तो नॉर्मली 60 वोल्ट वाली बैटरी ही यूज़ होती है बाइक में। अब ये देखें, ये बैटरी सब फिट करता जा रहा है। तीन बैटरियां रखी गई हैं जी, अब बाकी 2 बैटरियां भी एडजस्ट होनी हैं, अभी ये एक इस तरफ अंदर की तरफ कवर हो जाएगी और इसी जो सेंटर में 2 आ जाएंगी और फिर हमारी बाइक की चार्जिंग ठीक हो जाएगी, और फिर ये 8-9 घंटे चार्ज करनी पड़ती है, और 8-9 घंटे चार्ज करनी पड़ती है, उसके बाद आपका अगर तो कम यूज़ है, मतलब रोज़ाना 4-5 किलोमीटर यूज़ है, यूनिवर्सिटी चले गए आगे फिर 3-4 दिन बाद चार्ज कर लेते हैं, रोज़ाना चार्ज नहीं करनी पड़ती, अगर ज़्यादा यूज़ हो जाए तो फिर हर दूसरे दिन चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि एक दफ़ा बैटरी चार्ज करने से 60-70 किलोमीटर हो जाता है। ये बाइक से चले आपको रोड्स का व्यू दिखा देता हूँ थोड़ा सा,
अब आप ये देखें, ये रोड्स के ऊपर लेफ्ट राइट हर तरफ ग्रीनरी है, तो इन्होंने भी प्लांटेशन बहुत की हुई है। पाकिस्तान में भी अब प्लांटेशन का काफ़ी कॉन्सेप्ट आ रहा है और करनी चाहिए। देखें रोड से हमारे अक्सर कॉन्सेप्ट होता है कि रोड के ऊपर दुकान होनी चाहिए। ये देखें रोड किधर है और रोड से पीछे कितना फुट है आगे उसकी फ्रंट है, और फिर ये लाइन में दुकानें हैं। सेम पाकिस्तान की तरह ही दुकान है, ये नाश्ते की दुकान है और ये साथ ये बाइक वाली शॉप है और ये साथ आगे प्लास्टिक की शॉप है इस तरह। तो बस ये सारे इसमें अब ये बैटरी एडजस्टमेंट चल रही है, जब फिट होगी तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ भाई। लो जी, अब होनी है जी लास्ट बैटरी की एडजस्टमेंट, चार हो गई हैं तो अब उसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी मेहनत होती है क्योंकि फ़िटिंग में आती हैं। अब ये अंकल जी अपना कोई जुगाड़ लगाएंगे। ये मेरे मैकेनिक हैं, ये मेरे रेगुलर मैकेनिक हैं, मैं हमेशा इन्हीं के पास आता हूँ अपनी बाइक लेके, और यही कोई छोटा मोटा काम हो, कोई बाइक की करवाना हो काम, तो फिर मैं इन्हीं के पास आके ही करवाता हूँ, ज़्यादा किसी और के पास नहीं जाता। अब बैटरीज भी चेंज करवानी थी, फिर इन्हीं के पास ही आया हूँ। ये घर के पास है तो अच्छा काम कर देता है। ये देखो जी, ये एडजस्टमेंट चल रही है, होप सो हो जाएगी एडजस्टमेंट। खाई 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 दम ना कदा ली भी है, ली भी है। खाई现在可以这也差一点啊都是लो जी, अब ये इशू सॉल्व होगा तो आगे काम चलेगा। ये पांचवी बैटरी की एडजस्टमेंट चल रही है। अगर तो ये एडजस्टमेंट होगी तो काम हो जाएगा फिट। नहीं सर। लो जी, पांच की पांच बैटरियां आ गई हैं खैर वाफियों से। अब ये इनके टर्मिनल जुड़ेंगे जी, और उसके बाद ये चार्जिंग शुरू हो जाएगी, बाइक ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगी। ये दो चार दिन से ज़्यादा मसला कर रही थी, इसलिए अब इसकी बैटरी जलवा ली है। जी लो जी, ऑलमोस्ट बैटरीज डल गई हैं, क्लोजिंग हो रही है। अब जी देख लें, ये होता है जी इसका, साल छः महीने बाद अगर आपका ज़्यादा यूज़ है तो छः महीने बाद साल बाद बैटरीज चेंज करवानी पड़ती हैं। सेम ये अर्थ आ गया, ये लास्ट टर्मिनल लगा है, उसने बता दिया है कि जी मेरे अंदर करंट है। लो जी, अब ये फाइनल होगी, ये अब एडजस्टमेंट चल रही है। जी तो ये देखें जी, ये लग गया ऊपर से लास्ट ढक्कन शरीफ, और अब हो गई है जी क्लोजिंग। ये अंकल जी नट ढूंढ रहे हैं। ये इसके ऊपर एक और शीट आनी है, फिर उसके बाद हम इधर ये वाली चेयर लगाएंगे। ये मेरी बेटी की छोटी सी चेयर है, वो इधर सेंटर में लग जाती है तो फिर आगे बच्चा आराम से बैठ जाता है। इसके ऊपर चेयर लगाएंगे, अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। पहले अंकल जी ज़रा ये लगा लें जी। ये हो गई है जी फाइनल क्लोजिंग, तो बैटरी डल गई है हमारी। तो बैटरी हो गई है सर, और ये देख लें ये सीट भी लग गई है, और अभी मैं और मेरी बेटी रवाना होते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।